नमस्कार, स्वागत है आपका मीनाक्षी किचन में। आज मैं शेयर कर रही हूँ रोस्टेड मसाला नट्स की रेसिपी, जिसे आप चाहें तो व्रत में भी बनाकर खा सकते हैं। इसके लिए कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 2 छोटे चम्मच घी। घी या फिर ऑयल कुछ भी आप ले लें, मैंने यहाँ पर शुद्ध घी यूज़ किया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप और आधा कप मखाने, यानी टोटल 1.5 कप मखाने मैंने इसमें डाल दिए हैं। और बिल्कुल लो हीट पे लगातार चलाते हुए मखानों को हम रोस्ट कर लेंगे। चाहे तो मखानों को आप बिना घी के भी रोस्ट कर सकते हैं, पर घी ऐड करने से इनका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो ये देखिए, मखाने मेरे रोस्ट होने ही वाले हैं। मखानों को मैं चेक कर लेती हूँ कि मखाने मेरे रोस्ट हुए कि नहीं। तो इस तरीके से एक मखाना लेकर इसको हम तोड़ कर देख लेंगे। तो ये देखिए, मखाना ईजिली टूट गया, इसका मतलब अच्छे से ये रोस्ट हो गया, अच्छे से क्रिस्प हो गया है। इसे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब फिर से मैं डाल रही हूँ कढ़ाई में 1 चम्मच घी। अब मैं इसमें डाल दूँगी मूंगफली। मैंने यहाँ पर 1/4 कप मूंगफली ली है और बिल्कुल लो हीट पे मूंगफली को हमें रोस्ट करना है। मैंने यहाँ पर एक कच्ची वाली मूंगफली ली है, तो इसको रोस्ट होने में टाइम लग जाएगा। इस तरीके से लगातार चलाते हुए इसको अच्छे से आप रोस्ट कर लें। जब मूंगफली हमारी रोस्ट हो जाएगी तो उसकी स्किन बाहर से अपने आप ही क्रैक होने लग जाएगी और मूंगफली हमारी पॉप होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए, इस तरीके से हल्की हल्की मूंगफली हमारी पॉप हो रही है। जब आपको लगे आपकी मूंगफली रोस्ट होने वाली है, तब मैंने इसमें ऐड कर दी है 1/4 कप बादाम। 1/4 कप ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ काजू। इन सबको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे जब तक कि अच्छे से ये क्रिस्प ना हो जाए। मूंगफली और मखानों को रोस्ट होने में टाइम लगता है। तो ये देखिए, सारा ड्राई फ्रूट मेरा ही रोस्ट हो गया अच्छे से। अब इसे भी मैं उसी प्लेट में निकाल लूँगी। काजू को रोस्ट होने में कम टाइम लगता है, तो इसे आप लास्ट में ही ऐड करें। अब कढ़ाई में फिर से मैंने डाल दिया है 2 चम्मच घी। गैस को लो हीट पे रखेंगे। अब मैं इसमें डाल दूँगी एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई। हल्का हल्का इसको हम रोस्ट कर लेंगे जब तक अच्छे से ये क्रिस्प ना हो जाए। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ी सी करी लीव्स। इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं और हरी मिर्च और करी लीव्स नहीं खाते, तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। जब अच्छे से ये क्रिस्प हो जाए, तब हम गैस को बंद कर देंगे। अब सारे रोस्टेड नट्स मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1/2 चम्मच नमक। 1/2 चम्मच ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर। अगर आप व्रत के बिना बना रहे हैं इसे, तो चाहें तो इसमें आप 1/2 चम्मच चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और ठंडा करने के बाद इसे हम एक एयरटाइट जार में भर के रख लेंगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये देखिए, मसाला नट्स मेरे बनके तैयार हो गए। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी में। तब तक के लिए बाय।